गाइस आपको मिलवाते हैं बरेली के एक होनहार छात्र से, और ये हैं भाई मोहम्मद अमन, बरेली की शान, बरेली में भी नवाबगंज की शान, नवाबगंज का मान। ये भाई नवाबगंज के उस मोहल्ले से हैं जहां से भर भर के डॉक्टर हैं। आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक डॉक्टर मिलेगा। भाई अमन भाई, नई बस्ती के बारे में कुछ बताइए अपनी। तो गैस, नींद का आधा कोटा पूरा करके हम लोग निकल चुके हैं क्लास की ओर, और अभी तो केवल 3 घंटे की नींद हो पाई है, बाकी नींद आके पूरी करेंगे। दिखाता हूँ 3 और लोग, और यहाँ पर एक बारात के लिए सजी हुई गाड़ी आपको दिख रही होगी, और ये जा रहा है चोपड़ा राजस्थान से। चोपड़ा भाई इतना बताओ, ये एप्रन हाथ में क्यों लिए, इसको डाल लो। चलिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी फैसिलिटी दिखाई, लेकिन एक फैसिलिटी और देखिए। ये आपको फल दिख रहे हैं, ये हैं जामुन। ये जामुन का पेड़ है जिस पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, जो कि नीचे गिर रहे हैं बारिश के कारण। अगर आप एवेंजर चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका लॉक का सिस्टम कहाँ होता है और स्टार्ट होने का सिस्टम कहाँ होता है। ये खड़ंजे से जाने वाला रास्ता हमको पहुँचाएगा हमारे लेक्चर थिएटर में, और सामने जा रहा है अंकित। ये है मिरर, जो भी मुंह उठा के क्लास चला आता है वो यहाँ पर अपना चेहरा एक बार देख करके क्लास में एंटर होता है। और ये LT कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा सा आंगन, और यहाँ पर जो ठंडक महसूस हो रही है वो ना तो हमारे हॉस्टल में है, ना ही कहीं बाहर। लेक्चर थिएटर पूरा खाली है अभी, और क्लास में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गए हैं, और जल्दी आने का एक ही रीज़न है, थोड़ा यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे, और ये AC की और बढ़िया पंखों की हवा खाते हुए। चलिए बैठते हैं अपनी सीट पर। दोस्तों ये है क्लास का सिस्टम पूरा डिजिटल। देखो एक बंदा पोस्टिंग करके आ रहा है, और ये है डिजिटल बोर्ड, साथ में वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। तो गाइस आपको बैठने का एक सिस्टम बता दूं क्लास में। अगर आपको क्लास में बैठना है ना, तो बीच में बैठिए, ना सबसे आगे बैठिए ना सबसे पीछे बैठिए। क्यों? क्योंकि सबसे आगे भी आपको खड़ा करके पूछा जा सकता है, और सबसे पीछे से भी आपको खड़ा करके पूछा जा सकता है, क्योंकि टीचर्स की नज़र वहाँ से एकदम या तो सबसे पीछे रहेगी या सबसे आगे रहेगी। तो अगर आपको बैठना है तो हमेशा अपने क्लास में बीच में बैठिए, आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आप में दम है, अगर आप गट्स लेने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, तो आप सबसे आगे या सबसे पीछे या फिर वॉलंटियरली भी खड़े होकर के बोल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा है तब आप अपने आप से खड़े होकर के आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक चूक आपकी बेइज्जती पूरे क्लास में करा सकती है। तो गाइस पीछे बैठने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप पीछे बैठिए, आप सो जाएंगे, आप अच्छे से सो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कभी कभी सर का मन ये भी कर जाता है कि जो पीछे वाली रो है वो आगे आकर बैठे, उसमें आपके सारे प्लान ख़राब हो जाएंगे, आपका जो नींद लेने का पूरा प्लान था वो सारा का सारा रखा रह जाएगा। इसलिए आप बीच में रहिए, आप सो भी सकते हैं, आप अपना फ़ोन भी चला सकते हैं,